हेलो फ्रेंड्स, कैसे लोग? आशा करती होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, आपके लिए हम लिब्रा ऑफिस राइटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड विच शॉर्टकट कीज एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके लिए लाए थे, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जो आपने करे भी होंगे। अगर आपने नहीं किए तो आप लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर के थ्योरी क्वेश्चंस विथ शॉर्टकट कीज एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले बहुत है, जिसमें 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, जिसको आप उनको फॉलो कर सकते हो पेज को। और आगे वाली अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन्स पर प्रेस करना पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो उसके बाद कैल की वीडियो भी डल चुकी थी, तो कैल का पार्ट वन आया है, पार्ट टू अभी आना बाकी है, वो भी आ जाएगा कुछ ही दिन में। तो कैल को भी आप अच्छे से पढ़ना, उनके फॉर्मूलेस को अच्छे से करना। आज का हमारा टॉपिक है लिब्रा ऑफिस राइटर का प्रैक्टिकल। हमने थ्योरी टॉपिक्स किए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, एक एक पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर का प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहला लिब्रा ऑफिस का सबसे पहला पार्ट होता है लिब्रा ऑफिस राइटर, एंड सेकेंड पार्ट होता है लिब्रा ऑफिस कैल्क, एंड थर्ड पार्ट होता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। प्रैक्टिकल में लिब्रा ऑफिस राइटर का एक क्वेश्चन आता है, राइटर के बाद कैल का एक क्वेश्चन आता है, एंड इंप्रेस का भी एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन कैसे करना है, आप सर्च करिएगा, आपने सिर्फ सर्च करना है राइटर, तो आपको लिब्रा ऑफिस राइटर शो हो जाएगा यहां पे, राइटर लिब्रा ऑफिस राइटर, जो मर्जी लिख सकते हैं। देखो स्क्रीन पर लिब्रा ऑफिस राइटर आपको शो हो रहा है, तो आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन शो होगी, इंटरफेस शो होगा, जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड करते हैं ऐसे राइटर में हम करते हैं। सारे टॉपिक्स जो भी सेम कंटेंट हमने वहां लिखा है, यहाँ कंटेंट लिख सकते हैं, वहां का डाटा यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं इजीली। बट जो एमएस ऑफिस होता है वो हमारा क्या होता है, पेड होता है, लेकिन जो लिब्रा ऑफिस है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, इंटरफेस ओपन हो चुका है हमारा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लिब्रा ऑफिस राइटर का, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लिब्रा ऑफिस राइटर का एक ही क्वेश्चन आता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क का भी एक क्वेश्चन आता है, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस का भी एक क्वेश्चन आता है। चॉइस आपकी होती है, आपको दो अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, एक राइटर कैल्क और इंप्रेस, दोनों में से आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो तो आप उसके लिए जाइएगा। 80 नंबर के दो क्वेश्चन होंगे 40-40 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आपको उसका एक्सप्लेन करना होगा, आप उसको बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके 20 में से वाइवा के मार्क्स वहां पर लगते हैं। अब ये इंटरफेस आपको वर्ड की तरह कभी नहीं शो कर रहा, आप इंटरफेस को चेंज करना चाहते हैं, कैसे करना है? जब आप पेपर देने जाते हो तो राइटर का जो इंटरफेस होता है वो अलग होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब चीज बताऊंगी आपको, कैसे ओपन करना है, कैसे आप ढूंढ सकते हो कोई पॉइंट्स अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, सबसे पहले हमने इसको वर्ड की तरह एक स्क्रीन लेकर आनी है, जैसे वर्ड में हमारी टैब्स होती है, इसमें भी हमारी टैब्स होनी चाहिए। राइटर में कभी भी इंटरफेस चेंज करना हो, मतलब स्क्रीन चेंज करनी हो ताकि आप टैब के अकॉर्डिंग इजीली कर सको, आपको ऐसे आइकन के अकॉर्डिंग समझ नहीं आएगा। अगर आप आइकन्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली आप इंटरफेस को आप चेंज करेंगे, फर्स्टली आप इंटरफेस को चेंज करेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। इंटरफेस को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले व्यू टैब में, ये मेन्यूज है हमारे, व्यू में जाना है, यहां से यूजर इंटरफेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इंटरफेस इन राइटर, एग्जाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये, कितने इंटरफेस होते हैं राइटर में, राइटर कैल्क और इंप्रेस तीनों में सेम इंटरफेस होते हैं, टोटल 7 इंटरफेस होते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड टूल बार, जो आपको ऐसा इंटरफेस आपको शो करेगा। सेकंड आता है टैब, आपको टैब भी शो करेंगी, सिंगल टूल बार, जो आपको अभी सिर्फ टैब टैब आपके ऊपर जो मेन्यू ओपन है वो दिखाई देंगे,
साइड बार आपको शो करना है तो साइड बार में शो करेंगे, टैब कंपैक्ट में शो करना है तो ऐसे आपको शो करेगा, ये प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ग्रुप में करना है तो ग्रुप में शो करेगा, कंटेक्सुअल में करना है तो कंटेक्सुअल में करेगा। आपको जो इंटरफेस चेंज करना है आप इजीली कर सकते हैं, ज्यादातर काम करना चाहेंगे तो आप टैब्ड में करेंगे। टैब में दिक्कत नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि एमएस वर्ड में भी टैब्ड में ही करते हैं हम। आप इसको अप्लाई कर दोगे, आप यहां से अप्लाई करने के बाद ये देखिए टैब आपकी क्या हो गई, ओपन होगी जैसे हमारी एमएस वर्ड में ओपन होती है। अब इनमें से हम इजिली कर सकते हैं, देखो या तो आप मेन्यू में से करो या आप टैब में से करो, ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां से करो या यहां से करो, दोनों में अवेलेबल हैं आपके ऑप्शन। ये होता है हमारा मेन्यू बार ओपन करना, जो इसके ऊपर आया था मेन्यू बार। टोटल 11 मेन्यूज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। टूल्स, विंडो, हेल्प, फाइल, एडिट, ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सभी में से मिलेंगे, कैल्क में, इंप्रेस में एंड राइटर में। बीच के ऑप्शंस आपके चेंज होंगे, क्लियर है। ये तो टोटल 11 मेन्यूज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। देखो राइटर में थ्योरी भी इसी के अंदर से निकलती है और प्रैक्टिकल तो है ये इसी के अंदर। बाय डिफॉल्ट टाइटल बार पर क्या शो होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में अनटाइटल्ड वन शो होता है। टैब्ड हो गए, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, नॉर्मल टूल बार भी बोल सकते हो एंड स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हो। फाइल ऑप्शन है, फॉर्म, इंसर्ट, ये सारे इनको बोलते हैं हम टूल बॉक्स। जिस भी किसी के ऊपर आप कर्सर रख रहे हो उसको आपकी शॉर्टकट के आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। ये होते हैं हमारा रूलर बार, इंची टेप होता है, मार्जिन को सेट करता है ना इंची टेप, इंचेस, तो ऐसे ही हमारे एरिया को सेट करता है मार्जिन को कि आपने टॉप से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स है, ये आप ओपन करके आपको दिखाई हुई है कि आप ले सकते हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो। ये हमारा स्क्रोल बार होता है, दो टाइप के स्क्रोल बार होते हैं, एक ओरिजेंटल होता है एक वर्टिकल। ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजेंटल। देखो ओरिजेंटल तो आपको शो ही नहीं कर रहा, ओरिजेंटल को शो करने के लिए आपकी परसेंटेज जो पेज की जूमिंग परसेंटेज है 100 से अबव होनी चाहिए। जैसे ही 100% अबव होगी आपका दो स्क्रोल बार आपको स्क्रीन पर शो करेगा, फर्स्ट वन इज होरिजेंटल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। आपने कम किए परसेंटेज तो आपको एक ही स्क्रोल बार शो करेगा। जहां पर परसेंटेज शो हो, लैंग्वेज शो हो, पेज का स्टाइल चेंज शो हो, आपको वर्ड शो हो, करेक्टर शो हो, नंबर ऑफ पेजेस शो हो, वो हमारे होता है स्टेटस बार। सबसे बॉटम पे आपको शो होता है टास्क बार। टास्क बार में आपके नेविगेटर साइन, जितनी भी एप्स ओपन है वो शो करेगा, नेटवर्क आपका चल रहा है नहीं चल रहा, नेट हो गया। और जब स्टेटस बार की बात करते हैं तो उसमें जूमिंग परसेंटेज से आप ट्रिक याद कर सकते, कंफ्यूजन नहीं होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें किसके अंदर हम कमांड कौन सी यूज करते हैं। बच्चों को सभी को पता है एमएस वर्ड में हम कमांड यूज करते हैं रैंक की, जो बाय डिफॉल्ट देते हैं कमांड आती है। अब इसके अंदर हम कमांड देते हैं डी टी शॉर्ट में लिखिए, लोअर में लिखिए, अपर में लिखिए, एज यू विश। एंड F3 को आपको प्रेस करना है, F3 जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो आपकी डाटा आपको यहां पर शो हो जाएगा। इन दिस टाइम दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल इन राइटर बाय डिफॉल्ट, माई कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, बट यूर पीस इज वर्किंग एंड यूर कीबोर्ड इज वर्किंग, कमांड इज बाय डिफॉल्ट इन राइटर, टाइप DTF3 कमांड। एंड रेंट की कमांड आप मेंशन करेंगे, रेंट ब्रैकेट को स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। डाटा आप सिलेक्ट करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा, देन मैंने यहां से इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद मैंने राइटर ओपन किया, ओनली राइटर ओपन। राइटर ओपन करने के बाद, राइटर ओपन करते ही वहां पर हम कंट्रोल प्लस वी पर कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो आ जाएगा वहां पर।
मैंने राइटर यहां से ओपन किया तो यहां पर मैं कमांड को जो कॉपी करके पेस्ट कर रही हूं तो वो कमांड यहां पर इजीली आ जाएगी। कोई भी डाटा लेकर आ सकते हो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे हम फाइल के लिए। पहला ऑप्शन आता है न्यू, न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। न्यू पर क्लिक करते हैं, आपको एक नया पेज इंसर्ट करना है तो आप एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं, आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद फाइल में गए हमारे पास टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है रेडीमेड, मैंने पहले भी बताया था प्री डिफाइंड, जिसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बने बनाए मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। जैसे मैंने आपको बोला मुझे सीवी बना के दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो आप टेम्पलेट ओपन करिए, सीवी उठाइए वहां से और एडिटिंग करिए और अपना नाम लिखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालिए तो आपका टेम्पलेट रेडी है विद सीवी के साथ। टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखो डिफरेंट टाइप्स के आपके टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। मैंने सीवी पर क्लिक करा, मुझे सीवी चाहिए, ओपन किया तो ये टेम्पलेट्स आपको इजीली ओपन हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या करने की जरूरत है, आपको डाटा क्रिएट करने की जरूरत है, उस पर्सन के नाम की जगह अपना नाम लिखना है, अपना डाटा लिखना है। जैसे मैंने बैकस्पेस किया, मैंने यहां लिखा मनुप्रिया, मनुप्रिया के नाम से मैंने ये फाइल ओपन कर ली है। इसके अंदर मैं अपने डाटा को एडिट कर दूंगी, ये सारा हमारा क्या बन जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेव एज टेम्पलेट, जो आपने बनाया आप उसको सेव करके रखना चाहते हो किस नाम से, तो आप नाम दे दीजिए तो आप उसको सेव भी इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन का मतलब है कोई भी फाइल आपने सेव करी आप उसको ओपन करना है, तो आप ओपन पर क्लिक करिएगा। फाइल फर्स्टली सेव होनी चाहिए तभी आपकी यहां से फाइल ओपन होगी, अगर आपकी फाइल सेव ही नहीं है तो आप ओपन नहीं कर सकते। तो यहां से आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहां से इसको ओपन करिएगा। कोई भी फाइल आप ओपन करके क्लिक करके यहां से ला सकते हो, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, इजिली ओपन हो जाएगी। मैंने कोई भी फाइल ओपन करी थी, देखो आपकी फाइल यहां पर आ गई मेरे पास। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट, आपने अभी कौन सी फाइल ओपन करी थी, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर लिस्ट कर दो, जितनी भी फाइल आपके रिसेंटली ओपन थी वो सारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का मतलब होता है इसके लिए आपको अलग अलग नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कोई भी फाइल ओपन करनी है वाइवा रिमोट के जरिए, तो आप इजिली रिमोट से ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेव। आपने कोई भी फाइल सेव करनी है, मैंने डाटा लिखा कंट्रोल वी से, अब मैं इसको सेव करके रखना चाहती हूँ, सेव पर क्लिक करेंगे। आपको पता ही है ऑब्वियसली सेव बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने बाय डिफॉल्ट जो नाम देना चाहते हैं दे दें, आप उसको सेव कर देंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेवर्स क्या होता है, सेव की हुई फाइल को दोबारा से नाम देना, उसकी लोकेशन भी चेंज करना। पहले हमने रखी है डॉक्यूमेंट्स में, डी सी सी में, डॉक्यूमेंट में, आपको अब रखनी है डाउनलोड में या पिक्चर्स में, आपकी चॉइस है। मैंने पिक्चर्स में रखा, अनटाइटल 2 के नाम से ही आपको सेव करके दिखा देगा, आपकी फाइल कहीं और लोकेशन पर उसी नाम से भी सेव हो जाएगी, अगर आप नाम चेंज करना भी चाहेंगे तो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा। सेव रिमोट वाइवा सेव रिमोट के जरिए आपको सेव करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन जितने भी हमारे रिमोट वाले ऑप्शन है वो अलग अलग नेटवर्क पर बेस्ड होते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, कहीं और भेजना। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपने कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करनी है, उसको आपने सेव करना है, कहाँ करना है, ईपब डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में करना है डायरेक्टली सेव। पेपर में क्वेश्चन आता ही है, आप अपनी फाइल को कहाँ कहाँ डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑप्शन आता है पीडीएफ, ईपब, बोथ ए एंड बी, एनीथिंग, एक और भी दे सकता है या नन ऑफ दीज भी दे सकता है। तो इसके लिए आंसर आएगा एक्सपोर्ट एंड ईपब विद पीडीएफ बोथ ए एंड बी। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ कहाँ गई है, मैंने अभी सेव करी है, ओपन करनी है तो आप कैसे सेव ओपन करते हो, आपको ओपन पे जाना है, यहां से आपने ओपन रिमोट फाइल या नॉर्मल है जो आपने ओपन करनी है, ओपन पर यहां से क्लिक करोगे, ओपन पर, ओपन करने के बाद जो भी फाइल आपने पीडीएफ में सेव करी थी यहां से आप चूज करेंगे पीडीएफ फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट राइटर, ठीक है, चूज करने के बाद अभी अभी मैंने जो नाम से सेव करी थी फाइल, जो भी आपकी फाइल होगी वो मैंने रखी है पिक्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर आरटी के नाम से फाइल है, वो एज अ डायरेक्टली आपकी पीडीएफ में आपको ओपन की हुई शो कर देगा।
तो ये आपको शो कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है, एज अ पीडीएफ इसको बोल सकते हो आप, आरटी पीडीएफ आपको शो करेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रिंट, प्रिंट पर क्लिक करेंगे हम, कोई भी डाटा अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको पेज दिखाई दे रहा है, जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। आपको ऑल पेज प्रिंट करने हैं, कितने पेज प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए, आप पेपर का साइज क्या लेना चाहते हैं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है, वो आपकी चॉइस है। अगर मैं लैंडस्केप में करूंगी तो यहां पर आपको शीट में लैंडस्केप में ही शो करेगा। वेट करना है प्रोसेसिंग का हर चीज के लिए, एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करनी कि हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, क्योंकि ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, करने में टाइम लेती हैं चीजें। देखो लैंडस्केप में आपको ये शो कर रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा आपको क्या हो जाएगा, प्रिंट करा हुआ शो कर जाएगा। प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट टू एम पीडीएफ, जब भी आप प्रिंट करेंगे डायरेक्टली आपको प्रिंट पीडीएफ में निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, सेम डायरेक्ट आप उसको सेव कर दो तो आपकी पीडीएफ बन के निकल के प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिंट करने की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी। सेव की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। सेव एस की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। टैम्पलेट जो लिए आपने, अगर आपसे बोलता है कि मैनेज करो टैम्पलेट, नया टेम्पलेट लो, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हैं। प्रिंट करने से पहले देखना, दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। अगर आपको बोलता है टूगल प्रिंट प्रीव्यू, तो सेम शॉर्टकट की चलेगी, जहां पर भी आपको प्रीव्यू शो हो जाए तो सेम शॉर्टकट की अप्लाई होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता है कि आपने एक सिंगल पेज का प्रीव्यू देखना है, मल्टीपल पेज का देखना, मल्टीपल मतलब दो तीन चार पांच, लेकिन उसके लिए आपके पास डाटा ज्यादा होना चाहिए। बुक का प्रीव्यू देखना है तो बुक का पेज आ जाएगा, दो पेजेस में आपको यहाँ शो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज्यादा डाटा होना चाहिए। जूमिंग कितनी करना चाहते हो आप, परसेंटेज कितनी जूम करना चाहते हो, देखो हमारा तो बहुत ज्यादा जूम हो चुका है, अगर मैं इसको कम करूंगी तो यहां से आप इसको इजिली कम कर सकते हैं। प्रिंट करोगे तो डायरेक्ट आपका डाटा प्रिंट हो जाएगा, अगर आप प्रीव्यू नहीं देखना चाहते तो आप कंट्रोल प्लस क्यों भी कैक कर सकते हो एग्जिट के लिए, और इसको क्लोज भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस क्यों एग्जिट के लिए होता है, अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप प्रेस करोगे तो विंडो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद फाइल का पॉइंट, हमारा क्लियर है, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो मैसेज बॉक्स में करिएगा भी मैसेज। न्यू कराया है नया पेज के लिए, टेम्पलेट करवाया है दैट इज कॉल्ड रेडी में, जो भी आपने रेडी में टेम्पलेट लिया है उसके अंदर एडिटिंग करी है तो आप उसको सेव कर सकते हो। कोई भी फाइल सेव करिए तो आप उसको ओपन कर सकते हो। रिसेंट मतलब अभी अभी आपने कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, ओपन रिमोट वाले विद अलग अलग नेटवर्क से चलेंगे। सेव मतलब नॉर्मल सेव करना, सेव एज मतलब लोकेशन भी चेंज करना और फाइल का नाम भी चेंज करना। एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ईपब में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आपकी पीडीएफ में ओपन हो जाएगी। प्रिंट करना, नॉर्मल प्रिंट करना है, प्रिंट करने से पहले देखना तो दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का आपको डायरेक्टली पीडीएफ में करना है कन्वर्ट, तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टैब हमारी क्लियर है, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टैब। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम होम टैब। होम टैब हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग आप किसी टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, आप एक सेंटेंस पे भी कर सकते हो, एक पैराग्राफ पर भी कर सकते हो। किसी भी तरह के आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए बोले, आपको कहीं भी किसी भी टैब पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है सिर्फ होम टैब पर, वहां से आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने लास्ट किया है फाइल, ठीक है, फाइल ऑप्शन क्या है, आप यहां से फाइल ऑप्शन जो मैंने अभी कराया वहां से सेम अगर आप ट्राई करेंगे मेन्यू ओपन करके, तो आपको वही सेम आपको अप्लाई हो जाएंगे। आप यहां से करेंगे या वहां से करेंगे आपको एक ही बात शो होगी। अभी मैंने साथ के साथ शॉर्टकट की बताई है, सेव की, सेव एज की, प्रिंट की, प्रिंट प्रीव्यू की, सारी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ओपन की भी दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टैब। डाटा को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप कट कर सकते हो, बिना सिलेक्ट किए डाटा आपका कट नहीं होगा, कोई भी डाटा आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए सिलेक्ट करोगे देन कट करोगे, कंट्रोल प्लस एक्स से भी कट कर सकते हो, वापिस लाना है तो आप पेस्ट से भी वापिस ला सकते हो, देन कंट्रोल प्लस वी भी प्रेस कर सकते हो।
डाटा को सिलेक्ट किया मैंने सेम एज इट इज, कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल पर सी फॉलो करेंगे, देन जाको आपको चाहिए वहां पर आपको क्या प्रेस करना है, पेस्ट प्रेस करना है या कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वन इज क्लोन फॉर्मेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन फॉर्मेटिंग? क्लोन फॉर्मेटिंग किसका काम करता है? एक फॉर्मेटिंग का काम करता है, एक फॉर्मेट प्रिंटर का काम करता है। जैसे एमएस वर्ड में हम फॉर्मेट प्रिंटर यूज करते हैं, ऐसे ही एज इट इज राइटर में आपका क्या मिल जाएगा, आपको क्लोन फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। सपोज करिए मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, मैंने इसको यहां से हाईलाइट कर दिया। अब यही सेम फॉर्मेटिंग मैं किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो उसके लिए आप क्लोन पर जाइएगा। जैसे ही टेक्स्ट पर आप कर्सर रखोगे तो आपको ब्रश का साइन शो करेगा, जिस पर भी अप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते आप इसको सिलेक्ट करिए, देन क्लोन फॉर्मेटिंग को आप क्लियर कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्लोन फॉर्मेटिंग की शॉर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर किसी स्टूडेंट्स को पता है तो, कि आपने क्लोन फॉर्मेटिंग लगा दी है उसको क्लियर करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं। यहां से आता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ, एग्जाम में जरूर आता है। फॉन्ट का साइज क्या होता है, 12 PT, 12 PT का मतलब होता है पॉइंट्स। कैपिटल ए से साइज इंक्रीज करते हैं, स्मॉल ए से साइज हम डिक्रीज करते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स को अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज का, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की पता है, चाहे एमएस वर्ड में हो चाहे राइटर में हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना प्लीज, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती। अगर आपका डाउट है तो आप मैसेज करके जरूर लिखिए। बी का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड मींस डार्क करना। आई मतलब इटैलिक, इटैलिक का मतलब वर्ड्स को टेढ़े करना, स्लैंटिंग करना, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है स्लैंटिंग लाइन डालना स्टार्ट करता है। अंडरलाइन, आप डिफरेंट टाइप की अंडरलाइन आपको शो होगी, जो भी आपको अंडरलाइन लगानी है तो वही आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट के बीच में कट लगाना, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब नोटबुक पे जो भी आप डाटा लिखते हैं गलत हो गया था, उसको क्या करते हो आप, कट करते हो, तो उसके ऊपर कट का साइन लगाते हो, पेन चलाते हो, तो वो उसका मीनिंग होता है डिलीट करना। जैसे इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू, ऐसे एज इट इज होता है डिलीट करना। तीनों को नहीं लेना तो आप क्लियर क्लिक करके आप उसको बंद कर सकते हैं इजीली। टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना देना है, मैंने टाइट देना है तो ये टाइट हो जाएगा, नॉर्मल देना आप नॉर्मल दे दो, लूज देना है तो आप लूज दे सकते हो। अगर हमें काम करना हो तो हम नॉर्मल में ही करेंगे। देन आप डाटा को सिलेक्ट किया, यहां से आप हाईलाइट कर सकते हो, कोई भी कलर देना चाहो। नहीं देना, हाईलाइटर नहीं करना तो आप क्लिक करके नो फिल कर देना। यहां से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो आप लिख रहे हो उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं चाहिए तो यहां से क्लिक करके देन ऑटोमेटिक ब्लैक, तो आपका कलर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट का ब्लैक हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर, कितने टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज राइट, तो लेफ्ट में स्पेस आ जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो राइट में स्पेस, सेंटर में जाएंगे दोनों तरफ स्पेस। कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। ऐसा कौन सा अलाइनमेंट होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल मार्जिन देता है, एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चंस में, तो वो होता है हमारा जस्टिफाई मार्जिन। यहां से आप बुलेट्स के साइन लगा सकते हो, कोई भी साइन लगाना है, आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हो, तो आप कस्टमाइज में जाओगे, अपनी मर्जी के साइन को आप क्रिएट कर दोगे। नंबर के अलावा आप ले सकते हो 1, 2, 3 ABC, जो भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने जैसे लिया A लिया, ओके करा, तो यहाँ पर देखिए ABCD पूरे A to Z अल्फाबेट्स आ गए। नेक्स्ट आता है इसके बाद, यहाँ से आप हेडिंग ले सकते हो, जैसे 1.1, 1.2 आप देना चाहते हैं, A 1.1, A.2, ये सारे आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या नीचे क्लिक करेंगे तो वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एक इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज का मतलब आगे लेके जाना, जैसे ही आप इंक्रीज करते रहेंगे वो पॉइंट्स में वैल्यू आगे बढ़ती रहेंगी, यहाँ से ये साइन स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो पीछे जाएगा तो वो नंबर 1 तक ही बैक आ जाएगा। ईयर का नेक्स्ट लाइन का स्पेस, बाय डिफॉल्ट लाइन का स्पेस कितना होता है, ये देखो 1 दिखाई दे रहा है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस इज 1, आप जितना मर्जी स्पेस दे सकते हो आपका स्पेस अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड में कलर देना है आप बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, नो फे। पाई के साइन को हम फॉर्मेटिंग मार्क्स का साइन बोलते हैं, इसकी शॉर्टकट की पेपर में जरूर आती है, या तो वो बोलेगा फॉर्मेटिंग का, ठीक है, फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की, तो आपको कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करनी है फॉर्मेटिंग के लिए, बंद करना है तो बंद हो जाएगा।
तो ये साइन लगता है, साइन लगाते हैं क्या शो करता है, जब ये पाई का साइन लगाते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स का, यहाँ पर एरो का साइन शो करता है, ये देखिए। जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगी तो आपका एरो का साइन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहां से आता है, इसके बाद आप हेडिंग देना चाहते हैं कोई भी हेडिंग दे दो, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, इनको बोलते हैं हम स्टाइल। हेडिंग वन आपके लिए अप्लाई करेगा कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट की, हेडिंग टू अप्लाई करेगा कंट्रोल प्लस टू, हेडिंग थ्री अप्लाई करेगा कंट्रोल प्लस थ्री। तो ये हमने होम टैब करी है अभी रिसेंटली। कोई भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछना भी। नेक्स्ट आता है, इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ एक सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जो कि एग्जाम में आता है, ये इनकी शॉर्टकट की भी आती है हमेशा। मैंने यहाँ पर लिखा है A2, A3 कुछ भी लिखिए, आप उसके डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उस डाटा को जो आप लिख रहे हैं, और साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जैसे ही आपने A3 लिखा, आपने सिर्फ 3 को प्रेस करना है, ओनली 3। पावर जब ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट, जब पावर नीचे आती है तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर, जो मैथ्स में यूज करते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर्स के लिए। सबस्क्रिप्ट होती है जो साइंस में यूज करते हैं हम C2O H2O के लिए। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, सुपर का मतलब होता है ऊपर पावर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी मतलब पावर। बेस के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी बेस के लिए, जिसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके बाद हमारे पास टेबल का, टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल हम किसके लिए यूज करते हैं। कोई भी टेबल इंसर्ट करनी है आपने, उसके अंदर आपने फॉर्मूला क्रिएट करना है, कोई टेबल बनानी है, स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना है, तो इजीली क्रिएट कर सकते हो आप। टेबल पर क्लिक करेंगे आप, सिंगल एक बॉक्स को बोलते हैं हम सेल, रो होती है आपके ऐसे, एंड देन कॉलम होते हैं आपके ऐसे। जितनी भी टेबल चाहिए आप क्लिक करेंगे, उतनी टेबल आपके वहां पर इंसर्ट हो जाएगी। जब भी आप टेबल लेते हैं तो एमएस वर्ड में डिजाइन और लेआउट का ऊपर ऑप्शन ऑन हो जाता है, लेकिन जब आप राइटर में लेंगे टेबल तो ऊपर टेबल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। हमने यहां पर लिखा नेम, नेम लिखेंगे, टैब को प्रेस करके आप नेक्स्ट सेल में जाओगे, हिंदी इंग्लिश एंड मैथ, एनीवन यू वांट, जो आपको नाम चाहिए आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करते हैं कैप्शन, आप इस टेबल को किस कैप्शन का नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर लिखिएगा आप, मैंने लिखी टेबल वन, आप ओके करिए तो ऊपर कैप्शन में आपके पास टेबल वन लिखा जाए। जो ग्रीन कलर का होता है उसका मतलब होता है नया लेना। देखो एरो का साइन लेफ्ट में दिखा रहा है, और सिलेक्ट कैसे है, ऐसे सिलेक्ट है, मतलब एक कॉलम सिलेक्ट है, और दिखा रहा है कि एरो कहाँ लेना है, लेफ्ट में, तो जहां आपका कर्सर है उसके लेफ्ट में आपको एक कॉलम लेना है नया, तो आप क्लिक करेंगे एक कॉलम आ जाएगा नया। जहां कर्सर है उसके राइट में आपको एक नया कॉलम चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे नया कॉलम। ऊपर चाहिए तो आती है अबव रो, बिलो करेंगे तो आती है रो बिलो नीचे। लेफ्ट टू राइट के लिए कॉलम आता है, अबव एंड बिलो के लिए रो आती है। जो जिस पर भी आपको दिखाई दे रेड कलर का साइन, तो समझ लो वो डिलीट करने का ऑप्शन है, कि आपको कोई भी एक कॉलम डिलीट करना है। क्लिक करा आपने कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट, अगर आपने एक रो डिलीट करनी है कर्सर रखोगे देन आप एक रो को भी डिलीट कर सकते हो। मर्ज सेल, आप सेल को मर्ज करना चाहते हो, जैसे मैंने इस एरिया को मर्ज करना है, मर्ज सेल, आप इस एरिया को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कैसे करेंगे, इसके लिए आप सेल को सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया आपने मर्ज करना है, उसके बाद जाएंगे आप मर्ज सेल। जब तक आप सेल को सिलेक्ट नहीं करते तब तक आपका मर्ज का ऑप्शन ऑन नहीं होता, तो वो सेल क्या हो गए, मर्ज हो गए, सेल क्या बन गया, एक बन गया। आप इन्हीं को अलग करना चाहते हो कितने रो कितने कॉलम में, स्प्लिट सेल, दो कॉलम दो रो, 2x2 की रेशो लेनी है, अब चार लेने हैं, हॉरिजॉन्टल में लेना है या वर्टिकल लेना है या इक्वल प्रॉपर्टीज में बांटना है, आप ओके करोगे तो इक्वल पोर्शन में आपके हॉरिजॉन्टल में चार क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल, अभी हमने किया है स्प्लिट सेल, नेक्स्ट आता है स्प्लिट टेबल, अभी हमने किया है स्प्लिट सेल, इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे को यहां पर मैंने क्लास लिखी 12, नेम मेंशन किए मैंने यहां पर CDE कोई भी ले लीजिए। मैं चाहती हूं यहीं से ना जी से ही आपकी जो टेबल है बिल्कुल अलग हो जाए, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे।
हेडिंग के साथ करनी है तो यस बिल्कुल हेडिंग के साथ कर लो, आप ओके करोगे तो कंटिन्यू हेडिंग के साथ टेबल आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अभी मैंने बताया आपको जहां पर रेड कलर का साइन दे दैट इज कॉल्ड डिलीट करना, ग्रीन कलर का दिखाई दे तो समझ लेना नया लेना है, ब्लू कलर का आप दिखाई दे रहा है तो मतलब सिलेक्ट करना है। आपने एक सेल को सिलेक्ट करना है जहां कर्सर है वो आपका है सेल कर देगा सिलेक्ट। आपने कॉलम को करना है, देखो जैसे सिलेक्ट है ना आप वैसे देखो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको एक रो करनी है तो आप एक रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेबल करनी है तो आप अपनी टेबल को पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेबल को डिलीट करना है तो आप अपने टेबल को डिलीट कर भी सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद टेबल का स्टाइल। टेबल का स्टाइल देना है, यहां से आप कलर देना चाहते हैं कलर देंगे, यहां से आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर कैसा लेना है, आपने डैशेस में लेना है कैसे लेना है। एरिया सिलेक्ट करना तो उतने एरिया में आप क्या अप्लाई कर दोगे बॉर्डर, क्लिक करा देन आपको जहां बॉर्डर लगाना वहीं पर आपका बॉर्डर लग गया। देखिए नेक्स्ट आता है इसके बाद बॉर्डर का कलर लेना। आपने कोई भी बॉर्डर का कलर लेना तो आप बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर लेना है तो आप इजीली बैकग्राउंड कलर शेडो का कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नहीं चाहिए तो आप क्लिक करेंगे देन नो फिल कर देंगे, जैसे पहले था वैसे ही आएगा, जो आपका टेक्स्ट था बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। मैंने लिया ब्लैक तो आपको नेम शो करेगा और ब्लैक कलर भी आपको शो करेगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ऑप्टिमाइज साइज। आप नेम लिखिए, क्लास हिंदी इंग्लिश टोटल एंड देन परसेंटेज। अब मेरे को यहां पर राइट में लेना है एक और कॉलम तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट में कॉलम के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है राइट में चाहिए तो क्या लिखेंगे, आफ्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है नेम लिया मैंने ए बी, कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर टेबल को इंक्रीज करना पड़े तो लास्ट सेल पर कर्सर रख के आप टैब को प्रेस करें कंटिन्यू, तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास मैंने लिख रही हूं 12th, कोई भी आप क्लास लिख सकते हैं। हिंदी के मार्क्स अपनी मर्जी से लिख लीजिए, इंग्लिश के मार्क्स भी आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। अब आता है ऑप्टिमाइज साइज। कभी भी आपको रो को बढ़ाना पड़े तो आप कर्सर रख के एंटर को प्रेस कर दीजिए तो आपकी रो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसको सिलेक्ट कीजिए, टॉप लेफ्ट टॉप पे लेना है, टॉप सेंटर सेंटर में आ जाएगा, टॉप बॉटम बॉटम पे आ जाएगा, राइट में लेना है तो राइट में, लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में, सेंटर में लेना है तो सेंटर। ये हमारे अलाइनमेंट्स हैं टेबल के अंदर के, टॉप मिडल बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। ऑप्टिमाइज साइज की आपको ऑटो फिट एडजस्ट करनी है, क्लिक करेंगे अपनी टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, खाली स्पेस नहीं बचेगा। देखिए अगर आप इसको पहले जैसे करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ेगा तो आपकी टेबल पहले जैसी हो जाएगी। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना। जैसे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, अपनी टेबल को पूरी को सिलेक्ट कर लो जिसको भी आप करना चाहते हो। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। किस में चाहिए आपको, असेंडिंग में डिसेंडिंग में? मेरे को चाहिए असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है वर्ड सीधे ए से जेड लाना, उल्टे लाने हैं तो जेड टू ए, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ओके करिएगा तो आपके वर्ड्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। देखो नेम नीचे वी नीचे ए ऊपर सी, उल्टे पुल्टे सारे वर्ड्स आपके हो गए। नेक्स्ट आता है रिवर्स बैक लेना है तो एंड देन सेव कंट्रोल जेड, क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड। टोटल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जैसे एक्सेल में क्रिएट करते हैं ऐसे ही हम राइटर में क्रिएट करेंगे। इक्वल कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना हो तो आपको इक्वल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिना इक्वल के कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। तो टोटल निकालने के लिए हम लिखते हैं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। जो भी सब्जेक्ट होंगे आप उन दोनों को सिलेक्ट करिएगा, हिंदी के मार्क्स भी और इंग्लिश के मार्क्स भी दोनों को, ब्रैकेट को क्लोज करो एंटर को प्रेस करो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा एज इट इज। सेम अगर आपको परसेंटेज लेनी है तो परसेंटेज के लिए इक्वल टोटल को सिलेक्ट डिवाइड कितने सब्जेक्ट हैं दो और एंटर को प्रेस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। सम निकालो टोटल निकालो परसेंटेज निकालो मैक्सिमम निकालो, इफ यू वांट जो आपका दिल करे वही चीज निकालिए।
जो आपको बोला गया हो क्वेश्चन में वही चीज निकाल कर दीजिए। एरिया सिलेक्ट करिएगा न्यूमेरिकल डाटा का, ओनली न्यूमेरिकल डाटा का। क्वेश्चन दे सकता है पेपर में कि आपको नंबर फॉर्मेटिंग करनी है, जर्नल में लेना है, करेंसी में लेना है, कैसे लेना है, तो आप इजीली ले सकते हो। करेंसी का साइन लगाना चाहते हो, कौन सा लगाना चाहते हो, रुपीज का लगाना है, आप ओके करोगे तो आपको साइन वहां अवेलेबल हो जाएगा। परसेंटेज का लगाना है, डेसिमल की जीरो लगानी है, कम करनी है, नंबर डेट में लेना है तो आप डेट में भी इजीली ले सकते हो। ये तो था हमारा टेबल का ऑप्शन। पेपर में दे सकता है टेबल क्रिएट करो, राइटर में पूरा डाटा देगा कि नेम लिखो, क्लास लिखो, हिंदी इंग्लिश मैथ टोटल और परसेंटेज निकालो। तो आपको पता होना चाहिए बॉर्डर कैसे लगाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। तो ये टेबल के ऑप्शन है जो कि आपको अच्छे से कंसर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ताकि आप वहां पर अप्लाई कर सके। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारी, अभी अभी हमने टेबल का ये ऑप्शन किया होम टैब में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज, इंसर्ट इमेज। इमेज का मतलब होता है आप डबल क्लिक करोगे बाहर, अब जाओगे इंसर्ट इमेज पर कि कंप्यूटर में रखी पिक्चर लेना। इंसर्ट इमेज, इंसर्ट का मतलब नया लेकर आना, कोई भी इमेज क्लिक करेंगे, कंप्यूटर के अंदर रखी हुई जो भी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और ओपन करूंगी, तो वे पिक्चर क्या है हमारी ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आप बॉर्डर देना, कलर देना, आपको सारी फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखा रखी है। इजिली बच्चे पिक्चर वाले तो इंसर्ट अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बस इंसर्ट करनी आनी चाहिए कि पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आता है पेज को ब्रेक करना। ब्रेक करने के लिए आपको डाटा लेना है, कोई भी डाटा लेने के बाद जहां पर आप कर्सर रखोगे वहीं से पेज को ब्रेक कर दोगे। ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो वहीं से पेज आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस एंटर, एंड देन लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट प्लस एंटर। अगेन रिपीट, पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस एंटर, एंड लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट प्लस एंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। कोई भी सिंबल लेना है आपने इंसर्ट करना है, पाई का ग्रेटर देन लेस देन, आप सिंबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी टैब कंप्लीट होती है होम टैब। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के लिए मैंने क्लिक करा, अभी मैंने आपको पेज को ब्रेक करना सिखाया है कि पेज को ब्रेक कैसे करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, या कर्सर रख के जहां पर आपको अलग करना वहीं से आप अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास टू पेजेस हैं, मैंने लिए टाइटल का पेज। टाइटल मतलब खाली एक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज। तो टाइटल पेज पर क्लिक करिएगा, इंसर्ट न्यू टाइटल, आपने नया पेज लेना है, एक ही लेना है, दो लेने हैं, तो मैंने लेना एक ही। तो वहां पर डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में आ जाए, फर्स्ट पेज पर आ जाए, तो आप ओके को प्रेस करिए, तो ऊपर आपका एक खाली पेज आ जाएगा टाइटल का, कि आप अपना एक खाली पेज ले सकते हैं। देखो जहां कर्सर है ना, कई बार तो वहीं दे देता है, तो जहां पर कर्सर हो वहीं पर ही दे देता है, ज्यादा कोशिश करता है वो। नहीं तो इंसर्ट नए टाइटल पेज के लिए आप कर्सर ऊपर रखोगे, बाहर क्लिक करोगे, बाहर क्लिक करते एक नया पेज आपको इजिली शो कर देता है। टोटल कितने पेज हो गए हमारे पास, दो ही है। अब मैंने टाइटल पेज पर क्लिक करा, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, एक ही चाहिए, आप ओके कर दो। आपकी स्क्रीन पर आपको टोटल पेज कितने शो करेगा, तीन शो करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइटल पेज। क्लिक करिए, टाइटल पेज पर क्लिक करिएगा, आपके पास पेज कितने शो हो रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ से देखिए। इंसर्ट करने के लिए वन ऑफ वन पेज, एक ही पेज हो रहा है। मैं एक नया पेज और लेना चाहती हूँ, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, वन पेज चाहिए, आप ओके करिएगा, तो आपके सामने कितने पेज शो हो गए आपको, वन ऑफ टू। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दो पेज शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेक्शन। सेक्शन किसके लिए करते हैं हम, जब आपके पास डाटा ज्यादा हो उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड करना हो, अलग अलग कॉलम में, तो उसको हम बोलते हैं सेक्शन में डिवाइड। मैंने यहाँ पर डाटा लिया है बहुत सारा, कोई भी डाटा ले लो, तो मैंने यहाँ पर डाटा ले लिया है, मेरे को इसको सेक्शन में डिवाइड करना है, तो मैं इसके लिए डाटा को सिलेक्ट करूंगी, देन सेक्शन में जाऊंगी। आपको कह रहे हैं एक में लेना है, दो में लेना है, तीन में लेना है, चार में लेना है, मैंने अभी लिया है दो कॉलम में, तो दो पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जाकर डाटा देखोगे तो आपका डाटा दो कॉलम में, दो सेक्शन में आपको डिवाइड हुआ हुआ शो करेगा। टेबल का ऑप्शन मैं करा चुकी हूं आपको कंप्लीट। चार्ट, चार्ट हमेशा बनते हैं बाय डिफॉल्ट, राइटर हो चाहे वर्ड हो, एक्सेल में हम अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं चार्ट हमेशा। चार्ट पर क्लिक करेंगे हम, चार्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपने बाय डिफॉल्ट चार्ट देगा कि आपने चार्ट कौन सा बना रखा है। चार्ट के लिए जो ऑप्शन आपको यूज करने हैं ये सेम एज इट इज,
मैंने एमएस वर्ड में भी करवा रखे हैं, तो आप उनको फॉलो करके यहाँ से कीजिएगा कि चार्ट को कैसे यूज करना है। नॉर्मल है, फॉर्मेटिंग देनी है, कलर देना है, उसमें रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, एक्स वाई लाइन को आपने क्या करना है कलर में देना है, तो आप इजिली कलर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंसर्ट ओले ऑब्जेक्ट। ओले ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर की कोई भी फाइल लेना, तो इंसर्ट ओले ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे, देन यहाँ से आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको फाइल दिखाई देगी, जो अच्छी फाइल हो, जैसे आपको लगता है कि जिसमें वायरस ना हो वो अच्छे से ओन हो सके, तो वहां से आप कोई भी फाइल इंसर्ट कर दोगे। वहां से जैसे सपोज करिए मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, यहाँ पे रखी हुई एक भी फाइल ली मैंने और ओपन कर दिया, देन ओके को प्रेस किया मैंने। प्रेस करने के बाद देखो बॉक्स के अंदर आपको एक एक्सेल की फाइल दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखो आपको एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप डाटा लिखेंगे, आपको डाटा आपको यहाँ पर सारा शो हो रहा है। ये आपने बाइल की फाइल आपने इंसर्ट कर दिया है राइटर के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके बाद इंसर्ट इमेज। अभी कराया है कि आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। गैलरी का मतलब क्या होता है कि आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है, लाइक आपको फ्लो चार्ट, स्मार्ट आर्ट, कोई डायग्राम, कुछ भी बनाना है, तो आप वहां से इंसर्ट कर सकते हो। गैलरी में जाओगे तो राइट साइड पर आपको यहाँ साइन देगा, एरो का साइन चाहिए जो भी लेना है ले लो, बीपीएन का साइन चाहिए तो आप वहां से ले लो। जैसे आपने कोई भी एक टैग दिया हुआ उसको इंसर्ट करना है। बुलेट्स चाहिए, बोथ साइड के आपको बुलेट्स दिखाई देंगे, स्टार वाले दिखाई देंगे। डायग्राम बनाना है, लाइक फ्लो चार्ट बनाना है, कोई भी आप बना सकते हो इजिली। स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के आपको स्मार्ट आर्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट आपको भी बनाया मैंने, फ्लो चार्ट भी आप इजिली ले सकते हो। आपको बोल सकता है पेपर में कि आप फ्लो चार्ट रेडी करिए ऐसा, तो आपको यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ेंगे। आइकन्स लेंगे, आइकन्स भी आप इजिली लगा सकते हैं। आइकन्स आप कोई भी चीज लोगे ना, आप क्लिक करो उसको, देन राइट क्लिक करो, इंसर्ट कर दो, वो चीज आपकी वहां पर स्क्रीन पर इंसर्ट हो जाएगी। ये तो यहाँ पर देखो इसको बड़ा करते हैं हम, यहाँ पर आपकी इमेज जो भी आपने ली है वो इंसर्ट हो जाएगी, जो भी आपने साइन लिया है। मैंने सपोज करो ऊपर लिया, मैं खाली पेज लेके आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। गैलरी का कोई भी आपको आइकन, कोई भी साइन आपको इंसर्ट गैलरी, देन मेरे को यहाँ पर एक डायग्राम चाहिए, मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे को यही चाहिए, सपोज करिए ये चाहिए, मैं राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट करूंगी। जहां कर्सर होगा वहां पर आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, आपका डायग्राम भी इंसर्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर अपने मर्जी का कोई भी एक डाटा लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट आता है इसके बाद मीडिया। मीडिया यूज करते हैं ऑडियो और वीडियो लेने के लिए। इसका साइज होना चाहिए 25 MB तक। कोई भी आपके कंप्यूटर में रखी हुई ऑडियो है या वीडियो है, आप इसको इजिली इंसर्ट कर सकते हो। मीडिया में जाकर आपके पास कोई भी ऑडियो वीडियो है, आप क्लिक करेंगे, देन आप ओपन करेंगे, वो वीडियो आपके माइंड सेंट हो जाएगी। देखो इसमें साइज बड़ा है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपकी वीडियो का साइज होना चाहिए 25 MB लास्ट। नेक्स्ट आता है इसके बाद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है किसी भी फाइल का एक लिंक क्रिएट करना। लिंक क्रिएट करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे आप, आपसे वो पूछेगा कितने टाइप से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनेट, सेकंड वन इज मेल, थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट, एंड फोर्थ वन इज न्यू डॉक्यूमेंट। तो ज्यादातर हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में रखे हुए किसी भी फाइल को आप लिंक ले कन्वर्ट कर सकते हो, लिंक ले सकते हो। मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, मैंने यहाँ पर जाना एक फाइल पाथ पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपके पास रखी बहुत सारी आपको फाइल दिखाई देंगी, आप किसी भी फाइल को क्लिक करिए, देन ओपन करिए। उस फाइल का लिंक आपको यहाँ पर पाथ आपको शो हो रहा है, देन आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको लिंक शो होगा। लिंक ओपन करने के लिए इसके ऊपर आप कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो करिएगा। कंट्रोल प्रेस करते ही आपको हैंड का साइन ओपन दिखाई देगा। कंट्रोल को प्रेस करना है, माउस का क्लिक करना है। माउस का क्लिक करते ही आपकी जो भी फाइल होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको ओके कर दो तो वो जो आपकी फाइल होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, तो ये जो मैंने फाइल बनाई थी, पहले पीडीएफ बनाई थी, वो आपकी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है, जो लिब्रे ऑफिस की मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी।
कि आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ऊपर पीडीएफ आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसके बाद बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। बुकमार्क होता है किसी भी पेज पर जाने के लिए। बुकमार्क तो आजकल गूगल में भी आते हैं, किसी होटल से आप खाना मंगवाते हैं, रेस्टोरेंट से, उसमें भी आते हैं, किसी में भी बुकमार्क आ सकता है। यहां पर हमने डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद मैंने कर्सर रखा, कंट्रोल एंटर कर दिया, पेज को डिवाइड कर दिया, मुझे नहीं पता कौन से पेज पर कहां जाना है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो कर्सर कहीं पर भी छोड़ा, कहीं से अगले दिन आकर उसी पेज पर आपने पढ़ना है, उसी पेज को आपने रीड करना है, तो उसके लिए हम ऐड करके रखते हैं वर्ड को, उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, मैंने टॉपिक लिखा माउस। माउस का लिखने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आप बुकमार्क में जाएंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। नाम देना चाहते हैं तो आप नाम भी दे सकते हैं, मैंने दिया जेड किंग और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, इनफ। इसके बाद कर्सर आपका कहीं पर भी हो, मैंने टॉपिक क्या ऐड किया है, माउस का, मुझे अगले दिन कौन से टॉपिक पे जाना है, माउस के, तो बुकमार्क में मैं गई एंड देन मैंने क्लिक करा जेड किंग पे, जो वर्ड पे ऐड था, कौन से पेज नंबर पे है, फोर्थ पे है, एंड देन गो टू करूंगी, डायरेक्ट आप उसी टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किसके लिए यूज करते हैं, जैसे हमने बुकमार्क किया, किसी भी टॉपिक पे आपको अगले दिन पढ़ना है या उसको आपने स्टक करके रखना है, अगले दिन आप उसी टॉपिक को रीड कर सको, तो उसके लिए हम बुकमार्क यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं, इसके लिए आपको बुकमार्क आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर डाटा, कोई भी एक डाटा लिखा हुआ है, डाटा मैं कहीं से ले रही हूँ क्योंकि इसमें मेरी कमांड नहीं चल रही है, आप वाले पीसी में आपकी कमांड चलेगी, तो मैं यहाँ पर वर्ड ओपन करके वहां से उसी कमांड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगी। मैंने इस अपना डाटा लिख लिया। कोई भी क्रॉस रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा होने के बाद आप उनको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, मतलब अलग कर दोगे, कर्सर रखोगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे। अब मैं बताती हूँ क्रॉस रेफरेंस किसके लिए यूज करते हैं। जैसे आपने एक नोटबुक पर टॉपिक लिखा, फर्स्ट पेज पर कभी किसी भी टॉपिक का एक नाम दिया, जैसे प्रिंटर का, उससे रिलेटेड टॉपिक आपने एक नोटबुक के लास्ट पेज पर लिखा। आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट वाला पेज रीड करूं, उसके बाद मैं लास्ट वाले पेज पर जंप करके लास्ट पे पहुंच जाऊं, ताकि मैं एक साथ दोनों टॉपिक को रीड कर सकूं। तो हम कैसे रीड करेंगे, देखिए, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पर जंप करना, उसके बाद बीच के पेजेस को आप खाली कर रहे हो कि आपको पेज को पलटाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस को यूज करते हैं। जहां ज्यादा टॉपिक है वहां पर आप कर्सर रखोगे, अपना एक डाटा का नाम दोगे, जैसे मैंने दिया लाइक प्रिंटर, आपको उसको सेम एज इट इज बुकमार्क में ऐड करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद ही आप एज इट इज सेम बुकमार्क में इसको ऐड करोगे, वर्ड को सिलेक्ट, सबसे पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट करना है। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके माउस का सो कॉपी कर देना, या आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस सी कर दो, कॉपी हो गया, और बुकमार्क में जाकर इसको आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, क्लिक ऑन बुकमार्क, और यहां पर आप क्या कर दोगे, इसको इंसर्ट कर दो, इंसर्ट डन। इंसर्ट करने के बाद कर्सर जहां पर आपका डाटा कम है वहां कर्सर लेकर जाओगे, और क्रॉस रेफरेंस में जाओगे। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद कि आपने वो डाटा कहां ऐड किया था, हमने तो ऐड किया बुकमार्क में, और किस नाम से दिया था, बुकमार्क वन के नाम से, देन इंसर्ट करो, देन क्लोज कर दो। देखो यहां पर आपके पास नंबर शो हो रहा है, जैसे इसके बीच में मैं कर्सर रखूंगी मैं बहुत सारे पेज ले लूंगी कंट्रोल एंटर से। अब मेरे पास टोटल यहां पर आ रहे हैं 15 पेज। अब मैंने जंप करना है फर्स्ट से लेकर और 15 पे जंप करना है, तो उसके लिए मैं फर्स्ट पेज पर जाऊंगी, टू पर क्लिक करूंगी, और माउस क्लिक करते ही ना, यहां से आप क्लिक करते ही कंट्रोल और माउस का क्लिक दोनों आप प्रेस करोगे, कंट्रोल और माउस का क्लिक प्रेस करोगे,
तो साथ में ही आप डायरेक्ट उसी टॉपिक पे पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो इसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। बीच में जितने भी पेजेस हैं उनको क्रॉस करेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट आता है फील्ड। फील्ड का मतलब आपको पेज नंबर लेना है, पेज काउंट करना है, डेट लेना है, डेट एंड टाइम लेना है, जो भी चीज आपको चाहिए आप ले सकते हैं। बॉक्स करना है, इनसाइड बॉक्स। बॉक्स मतलब टेक्स्ट बॉक्स। आप क्लिक करोगे, आप उसको बॉक्स को ड्रॉ करते हो। वो किसके काम आता है, कहीं पर भी ब्लैंक पेज है, आपने कुछ डाटा लेना है, इंसर्ट करना है, तो बॉक्स के अंदर जो भी डाटा अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क होता है जैसे आपका वर्ड आर्ट होता है, आप क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज करेंगे। जैसे मैंने बस्टर लिया, इसी स्टाइल में मेरे को नाम चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी। बस्टर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं इसको साइड में कर रही हूँ। सिर्फ मैं टेक्स्ट लूंगी बस्टर वाला, उसके ऊपर कर्सर रखूंगी। इंसर्ट फॉन्ट वर्क पे क्लिक करा, बस्टर के ऊपर मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, मैं क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। जैसे मैंने स्टाइल लिया बस्टर का, स्टाइल लेने के बाद आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। क्या आप नाम को चेंज करना चाहते हैं? देखो बस्टर क्लिक करते ही बस्टर आपको शो रहा है उसके अंदर भी। मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहां लिखा जेड किंग। जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगी ये फॉन्ट वर्क आप उसी वर्ड में आपका चेंज हो जाएगा, जेड किंग लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट आता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट होता है जिसको आपको नेम को ऐड करते हो, बिजनेस के लिए कोई कार्ड यूज करना हो उनके लिए यूज करते हो, टेम्पलेट लेना है टेम्पलेट लेते हो रेडीमेड, तो ये होते हमारे ऑटो टेक्स्ट। आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी आपको शेप इंसर्ट करनी है आप क्लिक करोगे, उस शेप को आप ड्रॉ करके इंसर्ट कर सकते हो, आपकी शेप इजीली इंसर्ट हो सकती है। तो ये आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, इंसर्ट टैब भी कंप्लीट हो गई। सिंबल्स लेने हैं सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मूला वगैरह अगर कोई लगाना हो, हम कर चुके हैं टेबल्स के अंदर भी। कोई भी शेप आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब हमारी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले लेआउट ऑप्शन। लेआउट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सेटिंग करना, उसका लेआउट प्रॉपर मार्जिन को सेट करना, साइज सेट करना, प्रिंट कैसे निकालना, होम यूज होता है हमारा फॉर्मेटिंग के लिए। इंसर्ट यूज होता है हमारा कोई भी टॉपिक आपने इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट करनी है उन चीजों के लिए। लेआउट यूज होता है पेज की प्रॉपर सेटिंग करने के लिए, पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फर्स्ट हमने पेज का मार्जिन, इसके लिए मैं डाटा ज्यादा लिखूंगी। कोई भी डाटा लिखा मैंने, जैसे लगे प्रिंटर है, या मैं वर्ड की कमांड आप ले रही हूँ यहां से कॉपी करके मैं वहां पर उसको पेस्ट करूंगी। अब आता है पेज का मार्जिन। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्जिन आपको कैसे सेट करना है, आप कंट्रोल पी करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल पी करने पर आपको यहां पर शो करेगा कि आपको मार्जिन कैसा लेना है कैसे नहीं लेना, ठीक है। पेपर का साइज यहां पर आप क्लिक करोगे, आपको लीगल चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए, आप कौन सा लेना चाहते हैं। ओरिएंटेशन भी पेज, आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, वो आपकी चॉइस है। देन आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। मार्जिन के लिए आप क्लिक करेंगे, आपको पेज का मार्जिन कैसा लेना, व्हाइट, देखो व्हाइट में चेंज हो गया, चारों तरफ मार्जिन कैसा आ रहा है, नैरो चाहिए तो नैरो में। हम काम करते हैं हमेशा नॉर्मल मार्जिन। अगर आपको स्पेशल प्रैक्टिकल में बोलता है कि लेफ्ट से मार्जिन इतना दो, राइट से इतना दो, टॉप से इतना दो, बॉटम से इतना दो, तो आप कस्टम में से जाके करिएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन बता चुकी हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, फर्स्ट वन इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप। पेज का साइज A4 साइज, A3 साइज, लेटर साइज एंड लीगल साइज, सारे के हमारे क्या है, पेज के साइज है। कॉलम के लिए डाटा आपको ज्यादा लेना है, डाटा ज्यादा लेंगे तो डाटा लेने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पेज के कॉलम में जाएंगे, जैसे हमने सेक्शन किया था, टू कॉलम में डिवाइड करना सेक्शन को, ऐसे ही हमारे यहाँ पर डाटा को दो कॉलम में डिवाइड कर देगा। ब्रेक करना है पेज को, एज इट इज सेम पेज को ब्रेक करेगा, पेज अलग हो जाएगा।
अगर कहता है मैनुअली ब्रेक करना है तो आप क्लिक करेगा, आपसे पूछेगा कि आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, यस बिल्कुल आप क्लिक करिए, ओके कर दिए, वो लाइन को ब्रेक कर देगा। कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कॉलम ब्रेक कर दीजिए तो वो कॉलम ब्रेक करेगा। पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज को ब्रेक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद कॉलम एक में डिवाइड करना है आपको, वन कॉलम में डाटा होना चाहिए। डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंडेंट, इंडेंट का मतलब राइट में, ये देखिए दो इंडेंट होते हैं हमारे, एक इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें होता है बिफोर टेक्स्ट इंडेंट आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट, दो होते हैं हमारे। टेक्स्ट के बाद में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दो काम करेगा। और ये होता है हमारा पैराग्राफ से पहले स्पेस देना, कम करना है ज्यादा करना है वो आपकी चॉइस है, पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना। नेक्स्ट आता है इसके बाद पेज नंबर, पेज नंबर पर हम क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आपको पेज कैसे लेने हैं, टॉप पर लेने हैं, बॉटम पर लेने हैं, कैसे लेने हैं। मेरे को बिल्कुल टॉप पर चाहिए, सेंटर में आने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में, यस बिल्कुल आने चाहिए। पेज नंबर कैसे लिखने हैं आपको, 1, 2, 3 में लेना है, एबीसी लिखना है, तो हमने लेने 1, 2, 3 में, आप ओके प्रेस करिएगा तो पेज नंबर आपके बिल्कुल टॉप पर आपको हर पेज पर शो करेगा। तो देखिए पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 1। टाइटल पेज, टाइटल पेज वही सेम ब्लैंक पेज चाहिए आपको। वाटरमार्क, वाटरमार्क आपको यहां पर लगाने के लिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, दो होते हैं, लेकिन यहां पर आपको डिग्री में देगा, 90 डिग्री, 140 डिग्री, 145 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, आप जिसमें भी लेना चाहते हैं। तो आप वाटरमार्क पर क्लिक करिए, आप क्या टेक्स्ट लेना चाहते हैं, मैंने लिखा जेड किंग इंस्टीट्यूट, ओनली जेड किंग लिखा है मैंने। फॉन्ट का साइज लेना है, फॉन्ट का टेक्स्ट लेना है, सॉरी जेड किंग मैंने लिख दिया। जेड किंग लिखने के बाद आप टेक्स्ट लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंगल सिलेक्ट करेंगे, 45 डिग्री करना है, कलर आप यहां से चूज करेंगे, आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको देखिए आपका वाटरमार्क लगा हुआ शो करता है। वाटरमार्क आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट के पीछे, जब आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेते हो वो आपको ये टैग, ये आपको एक लोगो लगा के देता है, आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख के देता है, ताकि कोई भी हमारे टेक्स्ट को कॉपी ना कर सके, कॉपी करता है तो हम उसके ऊपर कॉपीराइट डाल सकते हैं इसे। हाइफन, हाइफन यूज करना है, हाइफन होता है जब आप कोई भी डाटा लिखते हो नोटबुक पर, लाइन खत्म हो जाती है तो लाइन में से लिखने के बाद आधा वर्ड रह जाता है तो आप माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइफन पर क्लिक करोगे, जिस भी वर्ड पर आपको हाइफन चाहिए आप उस पर हाइफन एक क्लिक करते जाइए, जिस पर नहीं चाहिए तो आप स्किप करते चाहिए। पूरे पेज पर लगाना है तो हाइफन एट ऑल कर दीजिए, तो आपका हाइफन हर जगह लग जाएगा, जहां जहां जरूरत है वहां वहां वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद, देखिए हाइफन आपको शो रहे हैं जहां जहां जरूरत है। नेक्स्ट आता है लाइन नंबर, लाइन नंबर्स पर क्लिक करेंगे, आपको कंटिन्यू लाइन नंबर चाहिए तो आप शो नंबरिंग पर टिक करिएगा, यहां से आप क्लिक करिए लाइन नंबर चाहिए या पेज नंबर चाहिए, मुझे तो लाइन नंबर चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया लाइन नंबर पर। एंड नंबर्स आपको 1, 2, 3 चाहिए, यस बिल्कुल। आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, यस बिल्कुल। लाइन का स्पेस कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, और 5-5 लाइनों के बाद वो स्टार्ट हो जाए। आप एक लाइन के बाद भी कर सकते हो, 2-2 लाइन के बाद भी, 3-3 लाइन के बाद भी। क्या वो ब्लैंक लाइन भी काउंट करे, यस बिल्कुल काउंट करे, आपने स्टार्ट करना है, ओके। तो ये देखो लाइन नंबर्स आ गए। आप चाहते हो हर पेज से एक नंबर से स्टार्ट हो तो आप लाइन नंबरिंग पे चाहिएगा, यहां से आप क्लिक कर दीजिएगा रीस्टार्ट एवरी न्यू पेज, आप ओके कर देगा तो जितने भी लाइन नंबर्स हैं वो हर पेज पर क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी और आपको शो हो जाएगी वही नंबर से जो आपको ऊपर शो हो रही है, 5-10, 5-10, 5-10। गैप कितने का दिया था आपने, 5 का। अगर गैप आप 5 का नहीं देना चाहते तो आप 1 का देना चाहते हो इंटरवल, तो आप 1 क्लिक करिएगा, ओके करिएगा। तो ये देखो सीरीज में काउंटिंग आ गई, एक एक का गैप आ रहा है और कंटिन्यू काउंटिंग के साथ आ रहा है और स्पेस खत्म हो गया बिल्कुल ही। सिलेक्ट ग्रुप के ऑप्शन पता ही है आप सभी को, एमएस वर्ड में भी कराए हैं, इजीली पता है। दो शेप को साथ में मर्ज करना, मर्ज करके उनका ग्रुप बनाना, उनको लेफ्ट राइट ऑफ टॉप बॉटम करना, ये सभी को इजीली आते ही। तुम्हारे यहां पर लेआउट टैब कंप्लीट होती है। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो जरूर मैसेज करिएगा ताकि हम आपके सॉल्यूशन ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते रहिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके लिए और नई अपडेट्स आती रहे और आपको सबसे पहले आपको वीडियो का मैसेज मिल सके, आप वीडियो को वॉच कर सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।